नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इमेज एजुकेशन में। आज हमारा टॉपिक है टर्मिनोलॉजीज ऑफ साइकियाट्रिक नर्सिंग, टर्मिनोलॉजीज इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। सो स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म है हमारा मेंटल हेल्थ। सो मेंटल हेल्थ क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड। ये एक बैलेंस है स्टेट ऑफ बैलेंस है बिटवीन इंडिविजुअल और सराउंडिंग वर्ल्ड के बीच में। साथ ही साथ स्टेट ऑफ हार्मनी है बिटवीन वन सेल्फ मतलब खुद के और दूसरों के बीच में, और कोएग्जिस्टेंस है बिटवीन द रियलिटी ऑफ सेल्फ एंड दैट ऑफ अदर्स। तो ये था मेंटल हेल्थ, एक स्टेट है, स्टेट ऑफ बैलेंस है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड, स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर्स, एंड अ कोएग्जिस्टेंस बिटवीन द रियलिटी ऑफ सेल्फ एंड दैट ऑफ अदर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे मेंटल इलनेस, जिसको हम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस है, डिसऑर्डर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं आपके मूड, थिंकिंग और बिहेवियर को। इसके एग्जांपल्स है डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, शिजोफ्रेनिया, ईटिंग डिसऑर्डर्स एंड एडिक्टिव बिहेवियर्स। तो ये था मेंटल इलनेस, जिसको हम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बोलते हैं, और उसमें बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस होते हैं। अब हम टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करते हैं, जिसको हमने पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले अपन देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ मोटर बिहेवियर, जिसके अंतर्गत आता है इंक्रीज्ड एक्टिविटी, डिस एक्टिविटी एंड थर्ड इज डिक्रीज्ड एक्टिविटी। फर्स्ट देखते हैं इंक्रीज्ड एक्टिविटी, इसको हम हाइपर एक्टिविटी भी बोलते हैं, जिसमें रेस्टलेसनेस, अग्रेसिव, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी ऑफन एसोसिएटेड विद सम अंडरलाइंग ऑर्गेनिक पैथोलॉजी। जो एक्टिविटी रहता है बहुत ही रेस्टलेस रहता है, अग्रेसिव रहता है, और वो डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, का जो कारण रहता है कुछ ऑर्गेनिक पैथोलॉजी के कारण होता है। दिस वॉज इंक्रीज्ड एक्टिविटी। इंक्रीज्ड एक्टिविटी के अंतर्गत कुछ टर्म्स और हैं जिसको हम देख लेते हैं। पहला है साइकोमोटर एजिटेशन, जो कि फीलिंग है एंशियस रेस्टलेसनेस का, जो कि पर्सन को कॉज करता है कि वो मूवमेंट बिना मीनिंग के करते रहे। सो दिस इज साइकोमोटर एजिटेशन, जिसमें एक फीलिंग ऑफ एंशियसनेस रहता है, रेस्टलेस रहता है, और वो ऐसे मूवमेंट्स करता है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल एजिटेशन। दूसरा है टिक्स, इसमें सडन ट्विचेस होते हैं, मूवमेंट्स या साउंड्स करते हैं लोग, बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं मूवमेंट्स को, साउंड्स को या ट्विचेस को, उसको हम बोलते हैं टिक्स। नेक्स्ट है कंपल्शन। कंपल्शन में क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। डिज़ायर या इच्छा कुछ ऐसा करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, भले ही वो चीज़ गलत हो, लेकिन एक मन में आता है और उसको हमको करना है, भले ही वो कितनी भी गलत चीज़ ना हो। उसके बाद हम देखते हैं अकैक्सिया। सबसे एक मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसमें हमको डिफ़िकल्ट होता है कि हम स्टिल रहे, बॉडी मूवमेंट अपने आप होता रहता है और हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, दैट इज़ अकैथसिया, जिसमें हम खुद को स्टिल शांत नहीं कर पाते, दैट इज अकैथसिया। तो ये था इंक्रीज्ड एक्टिविटी के अंतर्गत, इंक्रीज्ड एक्टिविटी मतलब हाइपर एक्टिविटी, और उसके अंदर हमने कुछ टर्म्स देखे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिस एक्टिविटी, सेकेंड इज डिस एक्टिविटी, इसका मतलब होता है रेपिटियस एक्टिविटी और पर्पसलेस एक्टिविटी, ऐसा एक्टिविटी जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं और जिसका कोई पर्पस नहीं है। उसके अंदर हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, जैसे कि पहला है कैटाटोनिक पोस्चर, इसमें इंडिविजुअल एक ही पोस्चर में बहुत लंबे समय तक रहता है बिना हिले डुले, उसको हम बोलते हैं कैटाटोनिक पोस्चर। सेकेंड है कैटालेप्सी, इसमें एक इमोबाइल पोजिशन होता है, इमोबाइल मतलब बिना हिले डुले एक ही पोजिशन में वो रहता है, उसको हम बोलते हैं कैटालेप्सी। नेक्स्ट हम देखेंगे कैटाटोनिक स्ट्यूपर, इसमें एक्टिविटी जो रहता है मोटर एक्टिविटी बहुत ही स्लो हो जाता है, अपने आप को सराउंडिंग से अनअवेयर महसूस करता है और बहुत ही कम ही मूव करता है, उसको हम बोलते हैं कैटाटोनिक स्ट्यूपर। नेक्स्ट इज कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, ये स्ट्यूपर का जस्ट ऑपोजिट है, पर्पसलेस एजिटेटेड मूवमेंट होता है, मोटर एक्टिविटी रहता है और एक्सटर्नल स्टिमुलाई से वो बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता, दैट इज कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, मीन्स पर्पसलेस एंड रिपिटेटिव एक्टिविटी, कैटोनिक एक्साइटमेंट। नेक्स्ट है मैनरिज्म, इसमें हैबिचुअल इनवॉलंट्री मूवमेंट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं मैनरिज्म। ऑटोमेटिज्म, ये सेट ऑफ बिहेवियर्स है, अनकॉन्शियस बिहेवियर्स है, जो कि लास्ट करता है सेवरल सेकेंड्स टू मिनट्स और या फिर उससे ज़्यादा, मतलब आपका जो बिहेवियर है वो अनकॉन्शियस सिम्बॉलिक एक्टिविटी का रिजल्ट है, उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिज्म। लास्ट इज म्यूटिज्म, म्यूटिज्म मतलब वॉइसलेस, कुछ बोलते नहीं हैं, विदाउट स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी, डेट इज म्यूटिज्म। तो ये था सब डिस एक्टिविटी के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, डिक्रीज्ड एक्टिविटी। डिक्रीज्ड एक्टिविटी
मीन्स आपका जो मोटर एक्टिविटी है या कॉग्निटिव एक्टिविटी बहुत हद तक डिक्रीज हो जाता है, बहुत ही स्लो डाउन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डिक्रीज एक्टिविटी। मीनिंग मोटर एक्टिविटी एंड कॉग्निटिव एक्टिविटी इज डिक्रीज। डिस्टर्बेंस ऑफ मोटर बिहेवियर, जिसमें हमने देखा पहला पॉइंट इंक्रीज एक्टिविटी, सेकेंड था डिस एक्टिविटी एंड थर्ड वॉज डिक्रीज एक्टिविटी। नेक्स्ट मेजर पॉइंट हम देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ मूड अफेक्ट। उसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, जिसमें पहला है इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। इसका मतलब होता है इंडिविजुअल जो इमोशन डिस्प्ले करता है वो सर्कमस्टेंसेस के अपोजिट होता है या फिर प्रॉपरली फिट नहीं करता, इसलिए हम उसको बोलते हैं इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। या सैड का मोमेंट है, अगर फॉर एग्जांपल सैडनेस का मोमेंट है तो वो मुस्कुराएगा या फिर हंसेगा, वहीं कोई खुशी का माहौल है तो वो सैड रहेगा या दुखी रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लंटेड अफेक्ट। ब्लंटेड अफेक्ट का मतलब होता है लैक ऑफ इमोशनल रिएक्टिविटी। कोई भी सिचुएशन है उसमें वो इमोशंस रिएक्ट नहीं कर पाता, उसको हम बोलते हैं ब्लंट अफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लैट अफेक्ट। सीवियर रिडक्शन इन इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस, उसको हम बोलते हैं फ्लैट अफेक्ट। सीवियर रिडक्शन इन इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस, एक्सप्रेस नहीं कर पाता इमोशंस को, उसको हम बोलते हैं फ्लैट अफेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में एलिवेटेड मूड। एलिवेटेड मूड के कुछ लेवल्स हैं, उसको हम देखते हैं। एलिवेटेड मूड के अंतर्गत पहला आता है यूफोरिया, इलेशन, एक्साल्टेशन एंड फोर्थ इज एक्सटेसी। तो पहले देखते हैं यूफोरिया क्या है। यूफोरिया का मतलब होता है माइल्ड एलिवेशन इन फीलिंग। हम थोड़े मन से, फील से थोड़े से हाईली एलिवेट होते हैं, थोड़े से खुश रहते हैं, उसको हम बोलते हैं यूफोरिया। इलेशन सेकेंड पॉइंट है हमारा, सेकेंड लेवल। उसमें फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस होता है और मूवमेंट को हम इंजॉय करते हैं, दैट इज फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इन्जॉयमेंट, उसको हम बोलते हैं इलेशन। थर्ड है एक्साल्टेशन। इसमें सीवियर इंटेंस इलेशन विथ डेल्यूशन ऑफ ग्रैंड्योर। तो हमारे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीलिंग आती है, और एक्सट्रीम लेवल होता है इलेशन का, कॉन्फिडेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, इन्जॉय करते मूवमेंट को, और साथ ही साथ फीलिंग आता है क्या, डेल्यूशन ऑफ ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर का मतलब खुद को बहुत ही हाई एल्टीट्यूड में महसूस करना, हम खुद को राजा समझते हैं, सबके ऊपर समझते हैं, रिच फीलिंग आ जाती है कि हम सबके ऊपर है, उसको हम बोलते हैं एक्साल्टेशन। अब चौथा पॉइंट है हमारा, चौथा लेवल है एक्सटेसी। ये सबसे सीवियर, वेरी सीवियर एलिवेशन हो जाता है मूड का, ऐसा फील आता है कि हम ब्लेस्ड है, हम ही ग्रेस्ड है, हम ही ब्लेस्ड है, हम सबसे महान हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटेसी। तो ये था एलिवेटेड मूड के लेवल। सबसे पहले यूफोरिया, जिसमें थोड़ी सी एक खुश वाला फीलिंग आता है। सेकेंड इलेशन, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहते हैं, एन्जॉय करते मूवमेंट को। तीसरे में एक्साल्टेशन, में बहुत ही ज़्यादा सीवियर इंटेंस इलेशन होता है जिसमें फीलिंग ऑफ ग्रैंडियर आता है। और एक्सट्रेसी में तो हम फिर बहुत ही ज़्यादा ऐसे खुश हो जाते हैं कि खुद को ब्लेस्ड, ग्रेस्ड, महान समझते हैं। तो ये थे एलिवेटेड मूड के लेवल्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं एनहिडोनिया, मीन्स इनएबिलिटी टू फील प्रेशर। कुछ अच्छा मोमेंट हुआ है, कुछ हमारे साथ अच्छा हुआ है, सौभाग्यता की बात हुई है, लेकिन हम उसको फील नहीं कर पाते, प्रेशर हमें मन से खुश नहीं हो पाते, उसको बोलते हैं हम लोग एनहिडोनिया। अपैथी, अपैथी मतलब लैक ऑफ फीलिंग, इमोशन, इंटरेस्ट और कंसर्न अबाउट समथिंग। हमें किसी भी चीज़ से खुशी नहीं महसूस होती, इंटरेस्ट नहीं आता, या फिर हम किसी भी चीज़ को समझते नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग अपैथी। फियर, जानते हैं हम, डर लगना, डेंजर या कुछ ऐसी चीज़ को हम इमेजिन कर लेते हैं और उसको सोच सोच के हम खुद को डरा हुआ महसूस करते हैं या फिर अनप्लीजेंट फीलिंग आती है, उसको हम बोलते हैं फियर। पैनिक, पैनिक एक सडन एपिसोड ऑफ इंटेंस फियर रहता है, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है अचानक से हमको, अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और जो एक्चुअल में है ही नहीं। एग्जाम्पल, अभी कोरोना को लेकर बहुत सारे लोग पैनिक हो जा रहे हैं, दैट इज़ पैनिक। नेक्स्ट टर्म है हमारा एंजाइटी। एक नॉर्मल रिएक्शन है जिसमें हम इंक्रीज अलर्टनेस हो जाता है, डर लगता है, फिजिकल साइंस रहते हैं जैसे कि इंक्रीज हार्ट रेट, इसको बोलते हैं हम लोग एंजाइटी। एक नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल इमोशन है। एम्बिवेलेंस एक ऐसा स्टेट है, कॉन्फ्लिक्ट वाला रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक ही समय में हमको दो अपोजिट फीलिंग्स या बिलीफ को हम फेस करते हैं टुवर्ड्स सेम सब्जेक्ट या सेम ऑब्जेक्ट। रिपीट, एम्बिवेलेंस मतलब स्टेट ऑफ फीलिंग है, कॉन्फ्लिक्ट रिएक्शन होता है जब एक ही ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग दो अपोजिट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं या रिएक्ट करते हैं या फील करते हैं, दैट इज एम्बिवेलेंस। फॉर एग्जाम्पल, शाम के 5 बजे आपको अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ काम से आपको जाना है, उसी टाइम पे आपके पेरेंट्स भी आपको कुछ रख देते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि आप उधर जाए या इनकी बात सुने। तो ये था एम्बिवेलेंस।
नेक्स्ट हम देखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन. मेजर थर्ड पॉइंट है डिसऑर्डर्स ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन. इसके अंदर पहला अपन देखेंगे क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस. ये एक ऐसा मेंटल स्टेट है जिसमें हम हमारा जो अवेयरनेस है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते और साथ ही साथ कन्फ्यूज रहते हैं. तो दिस इज क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस. मीन्स हम एनवायरनमेंट को लेकर हमारा जो अवेयरनेस रहता है वो बहुत कम रहता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते और कन्फ्यूज रहते हैं. इसको हम बोलते हैं क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस. सेकेंड पॉइंट है इसमें स्ट्यूपर. स्ट्यूपर का मतलब है अ स्टेट ऑफ बींग नियरली अनकॉन्शियस और अनेबल टू थिंक प्रॉपरली. एक ऐसा स्टेट है जो अनकॉन्शियस से थोड़ा सा नियरली है, रिलेटेड है, और साथ ही साथ हम इसमें अच्छे से सोच नहीं पाते, प्रॉपरली सोच नहीं पाते, उसको हम बोलते हैं स्टूपर. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेलिरियम. इसमें क्या है, सीरियस डिस्टर्बेंस है मेंटल एबिलिटीज के कारण और उसके कारण रिजल्ट करता है कंफ्यूज थिंकिंग एंड रिड्यूस्ड अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग. तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट डेलिरियम. मेंटल एबिलिटीज में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है और उसके कारण थिंकिंग जो होती है कन्फ्यूज रहता है और अवेयरनेस भी रिड्यूस्ड होता है. नेक्स्ट है कोमा. एक ऐसा पीरियड है जिसमें प्रोलॉन्ग अनकॉन्शियसनेस रहता है और इसका कारण रहता है इलनेस या फिर इंजरी. कोमा मतलब प्रोलॉन्ग अनकॉन्शियसनेस, इलनेस या फिर इंजरी के कारण. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्रीम लाइक स्टेट. इस स्टेट में क्या होता है, एक इमेजेस फॉर्म होते हैं, थॉट्स फॉर्म होते हैं या फिर इमोशंस फॉर्म होते हैं. निद्रा के दौरान, नींद के दौरान हमें इमेजेस, थॉट्स या फिर इमोशंस दिखते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रीम लाइक स्टेट. लास्ट पॉइंट है सोमनोलेंस. एक स्लीपी स्टेट रहता है जिसमें हमको नींद आ रही है, बहुत ही थके थके महसूस करते हैं और कभी भी हम सो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सोमनोलेंस, एक स्लीपीनेस स्टेट. ये था डिसऑर्डर्स ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन. नेक्स्ट अपन देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ ओरिएंटेशन. डिसऑर्डर ऑफ ओरिएंटेशन में आता है डिसओरिएंटेशन, मतलब कि डिस्टर्बेंस ऑफ टाइम प्लेस एंड पर्सन. जब इंडिविजुअल को एहसास नहीं है कि क्या समय हो रहा है, वो कौन सी जगह पे है या फिर सामने वाले पर्सन को नहीं पहचानता, उसे हम बोलते हैं डिसओरिएंटेशन. जैसे कि मतलब कि डाइवर्शन ऑफ ओरिएंटेशन या फिर डिस्टर्बेंस ऑफ ओरिएंटेशन. नेक्स्ट हमारा मेजर पॉइंट है डिस्टर्बेंस ऑफ अटेंशन, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्टिबिलिटी. हमारा अटेंशन डिस्टर्ब होता है तो रिजल्ट करता है क्या, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, मतलब कि इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट अटेंशन. हम किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे अटेंटिवली, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, जो कि है डिस्टर्बेंस ऑफ अटेंशन. नेक्स्ट मेजर पॉइंट है हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ मेमोरी, जो कि डिवाइडेड है तीन में, जिसके तीन लेवल्स है, एमनीशिया, हाइपर एमनीशिया, पैरामनीशिया. पहला अपन देखते हैं एमनीशिया. एमनीशिया का मतलब होता है जब पर्सन मेमोरीज को रिकॉल नहीं कर पाता या पुरानी इन्फॉर्मेशन को याद नहीं कर पाता जो कि उसके दिमाग में स्टोर थे, उसको हम बोलते हैं एमनीशिया, चीज़ों को भूल जाना, दैट इज़ एमनीशिया. इसके दो टाइप्स है, एंट्रोग्रेड एमनीशिया एंड सेकेंड इज रेट्रोग्रेड. तो एंट्रोग्रेड देखते हैं, इसमें पर्सन जो रहता है वो नई मेमोरीज को भूल जाता है, जो रिसेंटली कुछ घटी है, कुछ हुआ है, उन चीज़ों को वो याद नहीं रख पाता, उसको बोलते हैं हम लोग एंट्रोग्रेड एमनीशिया. सेकेंड इज रेट्रोग्रेड एमनीशिया. इसमें इंडिविजुअल पुरानी मेमोरीज को भूल जाता है जो ट्रॉमा से पहले हुई थी, लेकिन ट्रॉमा के बाद जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो उनको याद रहता है. तो ये है रेट्रोग्रेड एमनीशिया. था हमारा पहला पॉइंट एमनीशिया और उसके अंदर का था एंट्रोग्रेड एंड सेकेंड इज रेट्रोग्रेड. अब अपन देखते हैं दूसरा पॉइंट, पैरामनीशिया. पैरामनीशिया का मतलब होता है एक ऐसा कंडीशन या फिनोमेना जिसमें मेमोरी डिस्टॉर्टेड हो जाती है और कन्फ्यूजन रहता है, फैंटेसी रहती है, जैसे कि कन्फैबुलेशन या फिर डेजावू. तो कन्फैबुलेशन क्या होता है, कन्फैबुलेशन का मतलब होता है कि इंडिविजुअल अनकॉन्शियसली मेमोरी में जो गैप आया है उसको अपने इमेजिन्ड वे से फिल कर देता है, अपने ही इमेजिन्ड या फिर अनट्रू एक्सपीरियंस को वो जोड़ के एक मेमोरी बना लेता है खुद से, उसको हम बोलते हैं कन्फैबुलेशन. सेकेंड है डेजावू. इसमें इंडिविजुअल खुद को ऐसा समझता है कि उसने पहले भी ये सेम एक्सपीरियंस, प्रेजेंट सिचुएशन को जिया है, देखा है, फेस किया है. कोई भी इवेंट उनके सामने होता है या एक्सपीरियंस होते हैं, सिचुएशन होता है, उसको वो बोलते हैं कि ये रिपीट हो रहा है, ये पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं, उसको हम बोलते हैं डिजावू. हाइपर एमनीशिया. हाइपर एमनीशिया मतलब एनहांस्ड मेमोरी. पर्सन बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का रिटेंशन या रिकॉल रखता है मेमोरी का, छोटी से छोटी बातें जो पहले हुई है उनको बहुत अच्छी तरीके से वो याद रखता है और बताता है, उसको हम बोलते हैं हम लोग हाइपर एमनीशिया. और ये जनरली मेंटल डिसऑर्डर में देखा जाता है क्योंकि नॉर्मल पीपल के लिए बहुत मुश्किल है हर एक छोटी 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 सी बातों को याद रखना या फिर उनको दोहराना. तो ये है थर्ड पॉइंट हमारा, हाइपर एमनीशिया.
नेक्स्ट हमारा एक टर्म है साइकियाट्री, जो हम शुरू में नहीं देख पाए थे. साइकियाट्री इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस. तो ये था साइकियाट्रिस्ट या फिर साइकियाट्री एक ब्रांच है मेडिसिन का जो कि डील करता है किससे, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस. दूसरा अपन देखते हैं साइकियाट्रिक नर्सिंग. साइकियाट्रिक नर्सिंग क्या है, स्पेशलाइज्ड एरिया है नर्सिंग प्रैक्टिस का जिसमें हम थ्योरीज का यूज़ करते हैं ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ये एक साइंस है और साथ ही साथ पर्पजफुल यूज़ करते हैं सेल्फ का एज एन आर्ट. और इनका यूज़ हम किस में करते हैं, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सेस, एक्चुअल और पोटेंशियल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम. तो ये था साइकियाट्रिक नर्सिंग, जिसमें साइकियाट्रिक नर्सिंग क्या है, एक स्पेशलाइज्ड एरिया है नर्सिंग प्रैक्टिस का जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं क्या क्या यूज़ करते हैं, थ्योरीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज अ साइंस, खुद के नॉलेज का यूज़ करते हैं क्योंकि एक आर्ट है, ताकि हम क्या कर सके, डायग्नोस कर सके और ट्रीट कर सके ह्यूमन रिस्पॉन्सेज को जो कि अफेक्टेड है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से एक्चुअली या फिर पोटेंशियली. नेक्स्ट मेजर पॉइंट हम देखते हैं परसेप्शन डिसऑर्डर्स. उससे पहले अपन देख लेते हैं व्हाट इज परसेप्शन. परसेप्शन का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, इंटरप्रेट करना सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, ताकि हम उसको रिप्रेजेंट कर सके या फिर अंडरस्टैंड कर सके कि एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है. परसेप्शन मतलब कि जो सामने चीज़ें प्रेजेंट हो रही है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है, इंटरप्रेट करना है, समझना है कि क्या इन्फॉर्मेशन सामने प्रेजेंट हो रही है, ये है परसेप्शन. अब हम देखते हैं इसके क्या डिसऑर्डर्स हैं. तो पहला देखते हैं इल्यूशन. इल्यूशन मतलब मिस परसेप्शन और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल एक्सटर्नल सेंसरी स्टिम्युलाई. पर हम लोग मिस परसीव कर रहे हैं या फिर मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, गलत देख रहे हैं, गलत समझ रहे हैं किसको, एक्सटर्नल सेंसरी स्टिम्युलाई को. वो होता है क्या, इल्यूशन. जैसे कि हम शेडो देख रहे हैं तो उसको हम कुछ हॉन्टेड समझ के मिस परसीव कर सकते हैं. अगर हम अंधेरे में रस्सी देखेंगे तो हम उसको सांप है सोच के डर सकते हैं. तो ये क्या है, इल्यूशन, एक्सटर्नल स्टिम्युलाई है बट हम उसको मिस परसीव कर रहे हैं या फिर मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इल्यूशन. नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं हेलुसिनेशन. हेलुसिनेशन का मतलब होता है परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिम्युलाई. स्टिम्युलाई नहीं है, कोई रियल एक्सटर्नल स्टिम्युलाई नहीं है और हम चीज़ों को परसीव कर लेते हैं जैसे कि वो सही में उधर कुछ है, उसे हम कहते हैं हेलुसिनेशन. उसको समझने के लिए हम उसके कुछ टाइप्स देखते हैं. फर्स्ट इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन. एक ऐसा हेलुसिनेशन है जिसमें हम चीज़ों को सुनते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है बट एक्चुअल में कोई आवाज़ नहीं रहती, दैट इज ऑडिटरी. सेकेंड विजुअल, चीज़ों को देखना जबकि कुछ है नहीं. ऑल्फैक्टरी, स्मेल आना कुछ ऐसा नहीं है जबकि. नेक्स्ट है गस्टेटरी, मीन्स किसी चीज़ को हम टेस्ट कर रहे हैं. टेक्टाइल, किसी का टच हमको फील हो रहा है. सोमैटिक, कोई चीज़ हो रही है, मूव हो रही है, उसको हम बोलते हैं सोमैटिक हेलुसिनेशन. नेक्स्ट है कमांड या फिर कमेंट्री हेलुसिनेशन. ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल जो है उसको कुछ वॉइस कोई सुनाई दे रहा है और उसको कमांड कर रहे हैं, कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कमांड या फिर कमेंट्री हेलुसिनेशन. कुछ एक्शन या बिहेवियर के लिए कोई कमांड कर रहा है. नेक्स्ट है लिलीपुटियन हेलुसिनेशन. लिलीपुटियन हेलुसिनेशन में क्या होता है, इसमें इंडिविजुअल को जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो या तो बहुत ही ज़्यादा छोटे दिखेंगे या फिर बहुत ही ज़्यादा बड़े दिखेंगे. छोटे दिख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोप्सिया और जो बड़े दिखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मैक्रोप्सिया. लिलीपुटियन हेलुसिनेशन चीज़ें हमको बहुत ही ज़्यादा बड़ी या बहुत ही ज़्यादा छोटी दिखती है. तो ये थे डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन, जिसमें पहला हमने देखा है इल्यूशन और सेकंड था हेलुसिनेशन. हेलुसिनेशन के बाद हमने उसके कुछ टाइप्स देखे. अब नेक्स्ट देखते हैं अपन डिसऑर्डर्स ऑफ थॉट. डिसऑर्डर ऑफ थॉट डिवाइडेड है एबनॉर्मलिटी ऑफ पोजिशन ऑफ थॉट, सेकंड है एबनॉर्मलिटी इन द स्ट्रीम ऑफ थॉट, एबनॉर्मलिटीज इन द कंटेंट ऑफ थॉट और चौथा है एबनॉर्मलिटी ऑफ फॉर्म ऑफ थॉट. पहला पॉइंट अपन देखते हैं एबनॉर्मलिटीज ऑफ पोजिशन ऑफ थॉट. मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज है. पहला अपन देखते हैं ऑब्सेशन. ऑब्सेशन का मतलब होता है रिपीटेटिव आइडियाज, इमेजेस या फिर फीलिंग, और जो कि अर्ज करता है हमको, इंसिस्टेंटली करता है, इंस्टेंट करता है कि कोई भी चीज़ को हम करें. ये होते हैं ऑब्सेशन, मतलब ऐसे थॉट्स आते हैं, आइडियाज आते हैं, इमेजेस आते हैं, फीलिंग्स आती है जो अर्ज करता है कि हमको एक्शन को करना है, वो है ऑब्सेशनल. पॉइंट है थॉट अलाइनेशन. इसमें थॉट्स किसी के अंडर कंट्रोल होते हैं, कुछ आउटसाइड फोर्सेस होते हैं जिसके अंतर्गत हम सोचते हैं, उसको हम बोलते हैं थॉट अलाइनेशन. के अंदर दो पॉइंट है थॉट इंसर्शन और थॉट विड्रॉल. थॉट इंसर्शन का मतलब होता है इंडिविजुअल को डिलीशन होता है कि उसके अंदर किसी और का थॉट डाला गया है, ज़बरदस्ती बाहर से आया गया है और ये किसी और की थिंकिंग है जो अभी हमारे माइंड में है, उसको हम बोलते हैं थॉट इंसर्शन. ऐसा डिलीशन
डिल्यूशन मतलब फॉल्स बिलीफ। तो डिल्यूशन होता है कि हमें किसी और का थॉट हमारे माइंड में डाला गया है किसी और के द्वारा, उसको हम बोलते हैं थॉट इंसर्शन। दूसरा पॉइंट है थॉट विड्रॉल। ऐसा डिल्यूशन इंडिविजुअल को लगता है कि उसकी जो सोच है उसको बाहर निकाल दिया गया है उसके दिमाग से या माइंड से, उसको हम बोलते हैं थॉट विड्रॉल। तो ये दोनों पॉइंट किसके अंदर आते हैं, थॉट अलाइनेशन, और ये किसके अंदर आ रहा है, पोजिशन ऑफ थॉट अबनॉर्मेलिटी। तो ये था पहला पॉइंट। अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट, नॉर्मेलिटीज इन स्ट्रीम ऑफ थॉट, और उसके अंदर अपन कुछ टर्म्स देखेंगे। पहला है वॉलेबिलिटी, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर्ड टॉकिंग होता है, एबंडेंट टॉकिंग ही रहता है, जैसे कि मेनिक लोगों में देखा जाता है, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा बात करना, बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करना, एक्सेसिव वर्ड्स का यूज़ करना, उसको हम बोलते हैं वॉलेबिलिटी, मतलब कि प्रेशर्ड टॉकिंग। सेकेंड पॉइंट है फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज वर्ड से टर्म से ही समझ में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसा थॉट जिसमें बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ होता है, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जो कि एक डायरेक्शन में रहते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग थॉट्स रहेंगे, और फ्रीक्वेंटली ये चलता रहता है। एंड नॉन डायरेक्शनल आइडियाज़, उसको हम बोलते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। थर्ड पॉइंट है प्रेशर ऑफ थॉट्स, मतलब कि रैपिड अबंडेंट थॉट्स आते रहते हैं, और उसका कारण होता है प्रेशर ऑफ स्पीच एंड फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। उस ये है प्रेशर ऑफ थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स, अलग अलग थॉट्स आते रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते, और उसका कारण होता है प्रेशर ऑफ स्पीच या फिर फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। चौथा पॉइंट देखेंगे पॉवर्टी ऑफ थॉट, इसमें थॉट जो रहता है बहुत ही स्लो रहता है, कम थॉट्स रहते हैं, वैरायटी नहीं रहती थॉट्स में, और ये जनरली जुड़ा हुआ रहता है पॉवर्टी ऑफ स्पीच। अगर ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे तो जो हमारी सोच है वो डेवलप नहीं होती, उसको हम बोलते हैं पॉवर्टी ऑफ थॉट। थॉट ब्लॉक मतलब कि सिजेशन, सडन सिजेशन, रुक जाना, ब्लॉक हो जाना, हमारा जो सोच है वो पूरी तरह से रुक गया है, जो फ्लो है थॉट का वो पूरी तरह से स्टॉप हो गया है, रुक गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी एक पैटर्न ऑफ थिंकिंग है, कम्युनिकेशन है, जिसमें इंडिविजुअल रहता बहुत सारी बातें करता है, लंबी कम्युनिकेशन करता है, और लास्ट में वो पॉइंट में पहुंचता है। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट से पूछा गया कि आज आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया, उसका जवाब रहेगा शाम मेरा दोस्त है, कल मम्मी पापा मुझे देखने आए थे, डॉक्टर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, गार्डन में खेलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है, आज टीवी में ये पिक्चर आने वाली है, मैंने नाश्ते में पोहा खाया है। ये था एग्जाम्पल सर्कमस्टेंशियलिटी का, जो पूछा गया है, जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए वो बहुत सारी इधर उधर की बातें करती है, थॉट्स आते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है डिरेलमेंट, इसमें जो हमारा थॉट का डायरेक्शन हमने स्टार्ट किया था वो चला जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, और हमारा जो थीम रहता है वो डाइवर्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं डिरेलमेंट, मीन्स डायरेक्शन ऑफ थॉट इज लॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट पीरियड में जनरली लोगों के साथ ऐसा होता है कि स्टूडेंट सोचता है कि सोने से पहले एक घंटा हम पढ़ के सोते हैं, बुक खोलते हैं, फिर सोचते हैं कि एक टॉपिक के बारे में फ्रेंड से कॉल करके पूछ लेते हैं, और फोन फ्रेंड को फ़ोन लगाते हैं, बात चालू होती है, और ऐसा करते करते इधर उधर की बातें होते होते एक घंटा हो जाता है, और उसको नींद आती है, और वो स्टूडेंट जो होता है वो सो जाता है। तो दिस इज़ डिरेलमेंट, जो हमारा थॉट था वो डाइवर्ट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट टर्म है हमारा टेंजेंशियलिटी, ये एक फॉर्म है डिरेलमेंट का, और अपोजिट है सर्कमस्टेंशियलिटी का। इसमें जो पूछा जाता है या फिर जो हमारे थॉट का फ्लो रहता है वो बढ़ता रहता है, फिर बीच में डाइवर्ट होता है, और कभी भी मेन जो पॉइंट था उसमें हम रिटर्न नहीं होते। सर्कमस्टेंशियलिटी में क्या था कि हम पॉइंट में रिटर्न हो जाते हैं, पॉइंट में पहुँच जाते हैं, अचीव कर लेते हैं, लेकिन टेंजेंशियलिटी में जो उनसे पूछा गया, जो उनसे करने गया है, वो अंत में नहीं पहुँचते, उसे हम बोलते हैं टेंजेंशियलिटी। बहुत सारे डाइवर्शनल कम्युनिकेशन थॉट के बाद भी वो पॉइंट पे नहीं पहुंच पाता, उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियलिटी। इस पॉइंट हमारा पर्सिवरेशन, पर्सिवरेशन का मतलब होता है कि हम कोई भी रिस्पॉन्स को या फिर एक्टिविटी को रिपीट करते रहते हैं, भले वो स्टिमुलाई है नहीं है, हम उसके बाद भी, वो चीज़ होने के बाद भी हम उस चीज़ को, रिस्पॉन्स को रिपीट करते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं पर्सिवरेशन। थर्ड हमारा पॉइंट है एबनॉर्मेलिटीज इन कंटेंट ऑफ थॉट। कंटेंट ऑफ थॉट में क्या एबनॉर्मेलिटीज है, तो पहला टर्म अपन देखेंगे ओवर वैल्यूड आइडियाज। इसमें इंडिविजुअल को एबनॉर्मल बिलीव्स रहते हैं अपनी लाइफ के बारे में, और वही बिलीव्स उसकी लाइफ को डोमिनेट करते हैं। तो ये पहला पॉइंट था हमारा ओवर वैल्यूड बिलीव्स। सेकेंड है वरी। वरी मतलब कुछ सेंस ऑफ टेंशन या फिर अनइजीनेस है, उसको हम बोलते हैं वरी। थर्ड पॉइंट है हमारा फोबिया। फोबिया का मतलब होता है पैथोलॉजिकल या फिर अनरियलिस्टिक फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये है फोबिया। फोबिया के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि ऊंचाई से डर लगना, सोशल फोबिया, लोगों के बीच में जाना डर लगना, उनके बीच में बात करना, ये कुछ फोबियाज हैं।
अनरियलिस्टिक फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। नेक्स्ट टर्म है सोमैटिक सिम्टम्स। ऐसे बॉडी कंप्लेंट्स इंडिविजुअल करता है जो कि बिना कारण होता है, उसको हम बोलते हैं सोमैटिक सिम्टम्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिल्यूशन। डिल्यूशन का मतलब होता है फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ कि बिना एविडेंस का होता है और इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहता उनका एजुकेशन या फिर सोशल या कल्चरल बैकग्राउंड से, वो होता है डिल्यूशन, मतलब फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ। कुछ टाइप्स है जैसे अपन देखते हैं, पहला डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल या फिर इन्फ्लुएंस, ऐसा लगता है कि कोई हमें कंट्रोल कर रहा है या फिर हम किसी की बातों में आ रहे हैं। दूसरा है डिल्यूशन ऑफ जेलसी या फिर इनफिडेलिटी, ऐसा लगता है कि हमारा जो अपना है वो हमें धोखा दे रहा है, वो भरोसे लायक नहीं है, दैट इज डिल्यूशन ऑफ जेलसी। नेक्स्ट है डिल्यूशन ऑफ गिल्ट, हम कोई भी गलत घटना के लिए या फिर कोई भी बात के लिए हम खुद को ब्लेम करते हैं, उसको हम बोलते हैं गिल्ट या फिर सेल्फ एक्यूसेशन। सोमैटिक डिल्यूशन मतलब अपनी बॉडी फंक्शन के बारे में हमें कुछ फॉल्स बिलीफ रहता है, उसे हम बोलते हैं सोमैटिक डिल्यूशन फंक्शनिंग को लेकर। निहिलिस्टिक डिल्यूशन एक ऐसा डिल्यूशन जिसमें हम चीज़ों को समझते कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर अनरियल है, उसको हम बोलते हैं निहिलिस्टिक डिल्यूशन। बिजार डिल्यूशन, इस डिल्यूशन में इंडिविजुअल ऐसी बातें बोलता है जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, जो कभी हो ही नहीं सकती, उन चीज़ों को मेंशन करना, उसको हम बोलते हैं बिजार डिल्यूशन। डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस, इसमें पेशेंट बिलीव करता है या इंडिविजुअल बिलीव करता है कि जो भी चीज़ें हो रही है वो उसको रिलेट कर रही है। अगर दो जन कोई आसपास कोई दो जन बात कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि वो लोग मेरे बारे में ही गॉसिपिंग कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, गाना बज रहा है मेरे लिए ही बज रहा है, तो दिस इज डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूशन ऑफ लव, इसमें इंडिविजुअल फील करता है कि कोई दूसरा इंडिविजुअल उनसे प्यार करता है, तो दिस इज डिल्यूशन ऑफ लव। नेक्स्ट मेजर पॉइंट अपन थॉट डिसऑर्डर के अंदर चौथा पॉइंट अपन देखेंगे, एबनॉर्मलिटीज इन द फॉर्म ऑफ थॉट। चौथा पॉइंट है एबनॉर्मलिटीज इन द फॉर्म ऑफ थॉट। जैसे पहला टर्म है हमारा लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, इसमें इंडिविजुअल के जो थॉट्स रहते हैं सीरीज ऑफ आइडियाज होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते, अगर वो थेरापिस्ट से बात कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं लेकिन वो आंसर्स जो रहते हैं उनके वो लॉजिकली कनेक्टेड नहीं रहते, पूछा कुछ और गया है और वो जवाब कुछ और देते हैं, सो दिस इज लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, जिसमें जो सीरीज ऑफ आइडियाज रहते हैं वो लूजली कनेक्टेड रहते हैं या इंटरकनेक्टेड नहीं होते। सेकेंड है नियोलॉजिज्म, इसका मतलब होता है यूज़ ऑफ न्यूली कॉइंड टर्म, नए टर्म का यूज़ करना। तीसरा है ऑटिस्टिक थिंकिंग, ऑटिस्टिक थिंकिंग का मतलब क्या होता है, जो थिंकिंग है ऑटिस्टिक थिंकिंग वो रियलिटी के अनुसार नहीं होता और वो अपने ही इनर फीलिंग को अन्य एक्सपीरियंस को वो दर्शाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ऑटिस्टिक थिंकिंग। डे ड्रीमिंग हो गया, फैंटेसी हो गया, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज ऑटिस्टिक थिंकिंग। नेक्स्ट इज वर्बजरेशन, सेंसलेस रिपीटेट, हम बार बार एक ही वर्ड को सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हैं बिना मतलब के, उसको हम बोलते हैं वर्बिग्रेशन। वर्ड सैलड, मीनिंगलेस या फिर इनकोहेरेंट मिक्सचर ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, वर्ड्स को या फ्रेजेस को बिना मतलब के जोड़ देते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्ड सैलड। ये था थॉट डिसऑर्डर्स के पॉइंट्स। अब अपन देखेंगे डिस्टर्बेंस ऑफ जजमेंट, उसको हम बोलते हैं इम्पेयर्ड जजमेंट। इसका मतलब क्या होता है, डिमिनिश्ड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन करेक्टली एंड एक्ट अप्रोप्रिएटली, हम कोई भी सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं, हमारी जो एबिलिटी रहती है वो ख़त्म हो जाती है और हम अप्रोप्रिएटली एक्ट नहीं कर पाते सिचुएशन के अनुसार, उसको हम बोलते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ जजमेंट या तो जो कि है इम्पेयर्ड जजमेंट। लास्ट हमारा डिस्टर्बेंस ऑफ इनसाइट, इनसाइट का मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन, और डिस्टर्ब होता है हमारा इनसाइट मतलब कि हम डिनाई करते हैं अपने इलनेस के बारे में या फिर अपने प्रेजेंट कंडीशन के बारे में, तो उसे ये क्या है, क्या डिस्टर्बेंस ऑफ इनसाइट। तो ये था टर्मिनोलॉजीज जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में यूज होते हैं, ऐसे ये बेसिक है, इसका अगर इसको नॉलेज रहेगा तो हम डिजीज कंडीशन को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, अगर हाँ तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे और फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। थैंक यू।